हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन सामान परचेज कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन सामान आप खरीदने आते हैं कहीं पर, जैसे आप जितना महंगा सामान खरीदते हैं वहाँ पर आपको 20 से 30% का लेस मिलता है। अगर आप फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं वहाँ पर आपको 40-50% का आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन सामान परचेज कैसे किया था। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर में लिखना पड़ेगा फ्लिपकार्ट लिखते हैं, आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह का आपके पास पेज खोलकर आपको देखिए ये जितना एप्लीकेशन सब शॉपिंग करने का ही एप्लीकेशन आपको शो कर देगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए पहले से मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, अपडेट मांग रहा, मैं इसको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ से ये सीधे डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन यहाँ से मैं डाउनलोड होने देता हूँ। यहाँ से इसको देखिए ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका। चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन जैसे करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह का आपको यूज़र इंटरफेस खुलकर आपके पास यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का, देखिए देखिए आपको सामान बुक करने से पहले आपको यहाँ पे इससे पहले आपको एड्रेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस पे आप सामान मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। एड्रेस डालने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर आना है माई अकाउंट पर आना। माई अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन खुलकर आपके आप यहाँ से आ जाएगा। देखिए आपको नीचे में लिखा है यहाँ पर माई एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा एड्रेस आपको यहाँ पे न्यू, पहले से मैंने एड्रेस ऐड करके रखा है, यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना। देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस आपको ये ऐड करना है, यहाँ से कौन सा, देखिए आपको यहाँ पे फुल नेम डालना, आपको फ़ोन नंबर डालना, यहाँ पे पिन कोड डालना है एरिया का, आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, आपको सिटी डालना है, यहाँ पर आपको हाउस नंबर आपको डालना है, यहाँ पर हाउस नेम आपको यहाँ पर डालना है। देखिए आपको यहाँ पर एरिया का नाम डालना है, यहाँ पे आपको आपको एड्रेस डालना है, कौन से एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना। आपको यहाँ पे सेव एड्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पे एड्रेस मैंने डाल के कर लिया है। चलिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। देखिए और बैक यहाँ से मैं आ जाता हूँ। देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पर सामान आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे ये टी शर्ट हुआ, देखिए जैसे ये फ़ोन हुआ, यहाँ पर देखिए फ़ोन का दाम है, देखिए 16,999 का फ़ोन था, इसको डिस्काउंट करके यहाँ पर 13,999 रुपये यहाँ दाम बैठे हैं। इसको मैंने क्लिक करा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको फ़ोन यहाँ पे आपको शो कर दिया गया। देखिए यहाँ पे है ये रियलमी का फ़ोन है, यहाँ पे देखिए 64 GB यहाँ पे सपोर्ट इसका। देखिए इस पर मैंने क्लिक करा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे 13,990 का फ़ोन, इसका पूरा लुक देखने के लिए देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, राइट करता हूँ इसको। देखिए इसका ये पूरा बैकग्राउंड, इसका बैटरी कितना, इमेज सब आपको यहाँ पर इसका शो गया, कैमरा कितना सब आपको। देखिए इसका मोबाइल का बैकग्राउंड ये हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 64 GB सपोर्ट है, 6 GB इसका रैम है। देखिए इसको और मैं चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए और मैं ऊपर चल, देखिए इसका डिलीवरी यहाँ पे डिलीवरी इन, यहाँ देखिए 6 से 8 दिन में ये सामान आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए 6 से 8 दिन के अंदर में यह आपका सामान घर पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर और लिखा है देखिए कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि ये आपके सामान पर आपके घर पर सामान पहुंचाएगा तभी आपसे ये पैसा यहाँ पे आपको कैसे लेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी पैसा आपको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन देता है, कैश भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है। देखिए ये पैसा आपसे कैश यहाँ पे लिया जाएगा, ये पैसा। देखिए इसकी मोबाइल की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आपको यहाँ पे पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर दिया है अगर मोबाइल में कोई गड़बड़ी आती है, कोई भी खराब आती है, रिप्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर में मोबाइल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर 7 दिन के 8 दिन हो गया तो ये मोबाइल को आप वापस नहीं कर सकते, कोई भी गड़बड़ी होता है मोबाइल को आप वापस कर सकते हैं। देखिए ये तो आपने जान लिया, अब मैं और आपको दूसरा चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बहुत मौजा जुराब मिल जाएगा, आपको यहाँ टी शर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं वॉच मिल जाएगा, आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे जूता हुआ, जैसे आपको कोई सा भी चीज़ मंगाना है वो इससे नहीं आता तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आपको मंगाना है शर्ट मंगाना है, यहाँ पे आपको शर्ट लिखना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च जैसे करेंगे आपके पास जितना भी शर्ट टी शर्ट होगा सब आपको यहाँ पर, देखिए ये टी शर्ट है, जितना भी आपके पास टी शर्ट रहेगा सब आपको यहाँ पर टी शर्ट शो कर जाएगा। ये सब जितना टी शर्ट देखिए इसका है, कितना प्राइज़ है मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। देखिए ये टी शर्ट का दाम है कितना था, 999 रुपये दाम था, यहाँ पे 55% आपको यहाँ पे लेस किया गया, 445 रुपये यहाँ पे प्रीमियम बैठाया गया। देखिए आपको कौन सा साइज मंगाना है, या स्मॉल या मीडियम या लार्ज या एक्सल मंगाना है, वो साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए इसका डिलीवरी 9 से 11 दिन में इसका डिलीवरी होगा, इसका डिलीवरी चार्ज आपको 40 रुपये लगेगा। ये टी शर्ट में कोई भी छोटा बड़ा आपको कोई गड़बड़ी दिख रहा है यहाँ पे 30 डे के अंदर में आपको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, कोई गड़बड़ी टी शर्ट में तो इसको घुमा सकते हैं, फिर दूसरा मंगा सकते हैं। देखिए इसका
कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, यानी कि आपसे सामान घर पे पहुंचाएगा तभी आपसे ये पैसा लिया जाएगा, इसके पहले नहीं है पैसा लिया जाएगा। किसी किसी प्रोडक्ट में होता है पहले पैसा ले लेता है जब आपके सामान आपके एड्रेस पे सेंड करता है। इसमें देखिए, इसमें पहले आपको पैसा नहीं लेगा, आपको कैश पैसा यहाँ पे आपको लिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई जैसे कोट पैंट आपको यहाँ, जैसे मैं एक कोट पैंट मैंने यहाँ पे डाला, अब इसको सर्च करना। देखिए ये कोट पैंट का, ये देखिए यहाँ पे आ गया, पैंट आ गया, कोट पैंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आ सकता है, वो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पैंट का प्राइस कितना है, ये पैंट का देखिए यहाँ पे 349 रुपये ये पैंट का प्राइस है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेक करने के लिए मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर जैसे क्लिक किया देखिए ये पैंट थी 1099 थी, 1099 थी, इसको 54% लेस किया गया, यानी कि 495 रुपये प्रिंट इसका बैठाया गया है। इसके और भी देखिए कौन सा साइज लेना चाहते हैं, या 28 या 30 या 32 34 कमर इसकी, ये सब देखिए। इसका डिलीवरी चार्ज 40 रुपये लाएगा, ये 6 से 8 दिन के अंदर पे आपके आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ये इसको रिप्लेसमेंट करिएगा तो 14 दिन का अंदर में इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, 15 दिन में होगा तो ये इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका भी डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, यानी कि आपसे पहले पैसा नहीं लेगा, सामान आने के बाद आपसे ये पैसा लेगा। ये सब तो जान लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे सामान परचेस करना है जूता, देखिए मैं आज जूता मंगाने वाला हूँ, वही मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे डालना है। जैसे मैं जूता मंगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए जितना भी जूता आपको यहाँ पे सब शो कर जाएगा। मैं जूता बुक करने वाला हूँ, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन सामान फ्लिपकार्ट के द्वारा बुक करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे ये जूता से जो भी जूता मंगाना चाहते वो जूता आपको सिलेक्ट करना। चलिए मैं जो जूता पे डाला था वो जूता मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैं कौन सा जूता बुक करने वाला हूँ वो जूता मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो जूता आ गया, देखिए ये दोनों जूता का दाम है, देखिए पहले कितना था 999 रुपये, ये जूता का दाम था 48% लेस किया गया, यानी कि दोनों जूता का प्रिंट यहाँ पे 515 रुपये दोनों जूता का लगा। देखिए ये यहाँ पे कितना नंबर है, जो नंबर आपको जूता लगता है वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ये इसका डिलीवरी चार्ज है 77 रुपये डिलीवरी चार्ज है इसका, डिलीवरी इन 7 से 9 दिन के डेज में आपके घर पे ये एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर जूता में कोई छोटा बड़ा कोई कटा फटा रहता है उसको रिप्लेसमेंट करने के 30 दिन का आपको समय देता है, इतने अंदर में आप ये जूता का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका देखिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, यानी कि आपको सामान पहुंचाने के बाद आपसे ये पैसा लिया जाएगा। देखिए ये सब यहाँ पे जूता है, जैसे मैं ये जूता को बुक करना चाहता हूँ, देखिए बाय न्यू पे क्लिक करना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कौन सा नंबर आपको साइज लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मुझे 8 लगता है, मैंने 8 को यहाँ पे सिलेक्ट करा, अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे पूरा आपका सिस्टम आपके पास खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं जो एड्रेस पे मंगाना चाहता हूँ वो एड्रेस यहाँ पे ऊपर में देखिए भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे और भी सिस्टम दिया, जैसे आप ये एड्रेस में मंगाना चाहते हैं यहाँ पे चेंज और ऐड एड्रेस पे क्लिक करना, ये एड्रेस यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, इस ये एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये एड्रेस जैसे ठीक है तो मैं इसको सेव एड्रेस पे क्लिक कर दूँ, ये एड्रेस मेरा ठीक है, यहाँ से आप एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा इसका ये टोटल प्राइस, देखिए डिलीवरी चार्ज जो लगा मेरा पूरा 592 रुपये हमको यहाँ से ये कैसे लेगा हमसे ये पैसा। देखिए ये मैं दोनों जूता को बुक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन खुलकर आपके पास यहाँ पे आएगा। देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए, आप डेबिट कार्ड के द्वारा ये UPI के द्वारा से ये पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कैश का ऑप्शन दिया भी है कि मैं कैश करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर जैसे आप UPI से मंगाना चाहते हैं UPI पे क्लिक करूँगा, इससे आपको UPI डालना है यहाँ पे, वो डाल दीजिएगा। जैसे आपको कोई ATM से कटाना है तो ATM का ये ऑप्शन यहाँ आपको दिया, ATM का डालना है, ATM नंबर डालना है आपको यहाँ पे, ATM का जो एक्सपायरी डेट एक्सपायरी मंथ होता है वो डालना है, CCV डालना है, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जिसमें आपको देखिए जिसमें आपको कैश लेता है कैश देना, जिसमें आपको पहले लेता है वो देना, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कैश देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने क्लिक करा, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ये कोड आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए ये कितना है 891 कोड ही आपको यहाँ पे डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना, कंफर्म ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन खुलकर आपके पास यहाँ पे आएगा। देखिए ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे
यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरा ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स इस एड्रेस पे मेरा ये प्रोडक्ट ऑर्डर हो चुका है। ये मेरा नंबर देखिए, दोनों नंबर आपको शो करेगा यहाँ पे, और भी चीज़ देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे डिलीवरी दिस बाय दिसंबर 3 है देखिए इससे। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। जैसे ये सामान आपने भूल चुका है, गलत अपने ऑर्डर कर दिया इस सामान को, जैसे आप कैंसिल करना चाहते हैं ये भी ऑप्शन आपको दिया रहता है। चलिए यहाँ पे जैसे मैं 3 डॉट पे जाता हूँ, 3 डॉट पे जाने के बाद देखेंगे माई ऑर्डर, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आप जितना ही प्रोडक्ट बुक करते हैं सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो कर, जैसे मैंने ऊपर वाला देखिए यहाँ पे करा, इस पर मैंने ये सामान आपको परचेस मैंने अभी करा, यही सामान को देखते हैं यहाँ पे शो कर दिया गया। देखिए ये सामान मेरा लास्ट डिलीवरी कब होगा देखिए यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। देखिए 20 दिसंबर को मेरा ये लास्ट 20 दिसंबर को यह मेरा डिलीवरी घर पे सेंड कर दिया जाएगा। देखिए ऑर्डर अभी हुआ है, पैकेज यहाँ पे नहीं हुआ। देखिए ये सब जितना लास्ट में ये हरा बुंदा नीचे आएगा तो मेरा सामान डिलीवरी हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप अपना सामान को यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब इसको कैंसिल करना चाहते हैं, देखिए कैंसिल का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करना देखिए इस पर आपको कोई एक आंसर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, किस रीज़न से आप इसको रिटर्न करना चाहते हो ये आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आंसर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे लिख देना है कमेंट में इसको, जैसे किस चीज़ के बारे में इसको, किस प्रॉब्लम से आप इसको रिटर्न करना चाहते हो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना, ये सामान आपका कैंसिल हो जाएगा, सामान आपके ऑर्डर पर सेंड नहीं करेगा वो। इस तरह से आप यहां पे सामान को बुक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद है, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करें, आप नीचे पूछ सकते हैं।